नमस्ते, नमो नमः। ओम शब्द जो है हमने सुना है बहुत बार, लेकिन उसमें जैसे हरिओम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन ओम का जो अर्थ है उस बारे में बताए तो अच्छा होगा। देखो, जैसे हमने कहा ना, इस आश्रम का केंद्र प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही आश्रम में वो भाव प्रकट हुआ है, शुद्धता का, पवित्रता का भाव। तो वैसे संपूर्ण सृष्टि का जो केंद्र है या शुरुआत है वो ओम है। ओम अक्षर कह सकते हो या शब्द ब्रह्म कह सकते हो या मंत्र कह सकते हो, पर ये शुरुआत है संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का। ब्रह्मांड की शुरुआत ओम से हुई है। एक आवाज जो निरंतर चलता है, वो अभी भी चल रहा है आवाज, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आवाज है वो अभी भी। एक ही बार ओम हुआ ऐसा नहीं है, ओम है अभी भी चल रहा है। पर अभी यहां पर प्रश्न आता है कि उस ओम का हम करें क्या? जान तो गए ओम जो है, मंत्र अक्षर, ये मूल है, ब्रह्मांड का मूल ओम है। पर इस जानकारी से, इस ज्ञान से हम क्या करें? क्योंकि हम सब कुछ, सभी लोग चैंट करते हो, तो शुरुआत ही ओम से हुई है, इसलिए सभी मंत्रों से पहले ओम आता है, सभी मंत्रों से पहले ओम, क्योंकि हर अक्षर की शुरुआत ओम है, सृष्टि की शुरुआत ओम है। इसलिए कोई भी मंत्र अगर आप जप कर रहे हैं उसके पहले ओम आएगा, या तो श्री आएगा। श्री जो है वो शक्ति का रूप है, शक्ति का नाम श्री है। तो हम ओम हमेशा लगाकर ही शुरू करते किसी भी चीज को, कोई भी, कभी भी हम बात करते हैं, काम करते हैं, तो ओम का उपयोग हम हमेशा ही करते हैं। तो ओम में हम ये कहते हैं कि तीनों जो ईश्वर के रूप है वो भी ओम में ही है, वो सारे रूप ओम में ही है। तो जब आप ओम उच्चारण करते हैं तो तीनों जो रूप हैं ईश्वर के वो भी जागृत होते हैं, वो ऊर्जा भी जागृत होती है जब आप उसे उच्चारण करते हो ठीक तरीके से। अब ये उच्चारण करने के पीछे भी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जैसे अ उ म, तीन अलग अलग शब्दों से ओम बनता है। तो कई बार हम पहले प्रैक्टिस करते हैं अ उच्चारण करना, अ जो आपके नाभि चक्र से आता है, ओ। उसके बाद आप ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ करके, तो जो ऊ आता है वो आपके विशुद्धि चक्र से, थ्रोट से आता है, और म जो है लास्ट पे, म जो आग्नेय चक्र पे अंत होता है। अब जब प्रैक्टिस करते हैं आप अ और ऊ म, ये एक सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, साधना है। साधना इसलिए है कि ओम का उच्चारण आप ठीक तरीके से कर पाए। तो उच्चारण तो आपको ओम का ही करना होता है, उच्चारण तो ओम का ही करना होता है, अ उ म ऐसे साधना नहीं है। ये आपके साधना में प्रैक्टिस के हिसाब से आता है, सराव के हिसाब से आता है कि आप रोज अच्छी तरीके से करें। जैसे ए बी सी डी है ना, जब ए बी सी डी सीखते हैं तब हम बाद में शब्द लिखना शुरू करते हैं, वैसे ही अ उ म जब ठीक से शरीर समझ में आता है शरीर को कि अ मतलब क्या, उ मतलब क्या, म मतलब क्या, उसके बाद आप ओम का उच्चारण करते हैं। और जब ओम आप उच्चारण रेगुलरली करते हो तब आप उस सोर्स के साथ, शुरुआती जो समय है वो काल है, उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, संबंधित करते हो उससे, आप एक कनेक्ट करके अनुभव करते हो उस ऊर्जा को, उस सत्य को। अब वहां पहुंचने के लिए फिर आपको गुरु का मार्गदर्शन लगता है। ओम जो है ये साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सही गुरु जब आपको मिलते हैं और वो आपको सिखाते हैं तब उसका असर आपको दिखाई देता है। नहीं तो ओम तो हम सदियों से चैंट कर ही रहे हैं, पर असर जब आएगा जब आपको आपके गुरु ठीक तरीके से सिखाएंगे। तो जब आप ओम उच्चारण करते हो और जब मैं ओम उच्चारण करता हूँ,
सुनाई तो देगा सेम ही, पर जो मैं उसको जिस तरह से देख रहा हूं और आप जिस तरह से आप देख रहे हो, इसमें भेद है, इसमें बहुत भेद है। आपके लिए एक अक्षर है, मेरे लिए अवस्था है। उस अवस्था को देखता, ओम होने की अवस्था। जब आप खुद स्वयं ओम बन जाते हो, बीच में कुछ है ही नहीं, वो अवस्था, तो वो भी एक यात्रा है और उसकी भी तैयारी है। तो ये मंत्र आप देखिए, एक एक ही अक्षर ओम को यहां फॉलो करेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। शक्ति नहीं, सत्य प्रेम। आपका जो भौतिक जगत से बना हुआ जो मैं है, मटेरियल सेल्फ, वो धीरे 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 लय होता है, डिसॉल्व होता है, और सिर्फ क्या बचता है, ओम। वो अक्षर है बस, पर साधना इसकी थोड़ी कठिन होती है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हम सिखा देंगे। तैयार है सब तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाएंगे फिर। तैयार है उसके लिए।